सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में। सर, हाल ही में ही आपके द्वारा यहाँ पे जो ऑपरेशन सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है हार्ट रिलेटेड, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये जो कल ये जो ऑपरेशन किया था, कल हमने एक हम लोगों ने हमारा टीम ऑफ कार्डियोलॉजी ने एक ऑपरेशन किया था AICD। अब आज आज के पेपर में भी आ चुका, हमने देखा है। तो ये एक टीम एफोर्ट था और पेशेंट एक यंग फीमेल पेशेंट थी। उनको एक डिजीज था जिसको करते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, एंड इसका कारण था शायद कारण सार्कोइडोसिस करके एक बीमार रहता है वो था। तो बेसिकली इट्स मोर लाइक ए प्रिवेंटिव मेजर। तो हमारे जिस कार्डियक सिस्टम में कुछ कुछ डिजीजेस रहता है जिससे सडन कार्डियक डेथ का चांस बढ़ जाता है, मतलब सडनली हार्ट रुकने का चांस रहता है, या हार्ट में कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जिसके कारण पेशेंट का जान को खतरा हो सकता है। सो ये मशीन जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए, पेशेंट क्या काफ़ी यंग है तो इस तरह का प्रॉब्लम ना आए, आने से भी किस तरह उसको हैंडल किया जाए, तो उनको प्रिवेंटिव मेजर हम लोग देते हैं इस तरह से। तो ये पहली बार हमारे स्टेट में हुआ है। वैसे पेसमेकर्स इम्प्लांटेशन हम लोग काफ़ी कर रहे हैं पहले से, अभी तक हमारा कैथलेब तो पूरा स्टार्टिंग हुआ नहीं है, एंड विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैथलेब इंस्टॉल हो चुका है। तो वो होने के बाद अब तो कैथलेब में ही होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग सियाम में इसी तरह काम कर रहे हैं। एंड लेकिन काफ़ी अब तक जो भी हुआ है 100% सक्सेसफुल है, हमारा हमारा टीम का एफर्ट है। एंड कल डॉक्टर रिंचिन दोरजी मेघेजी एंड हमारा उनका टीम के और बाकी जो हमारा टेक्नीशियन और नर्सेस के साथ हम लोग का टीम मिलके सक्सेसफुली ऑपरेशन किया, एंड पेशेंट इज डूइंग वेल। अभी बैठी हुई है, सी हैड हर ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ, तो सी इज डूइंग वेल। सर, उसके लिए सबसे पहले तो आपके पूरे सारे टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहेंगे। और सर, हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं, स्पेशली अगर हार्ट पेशेंट बात करें, जो कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है, सोशल आउट ऑफ स्टेट चले जाते हैं, तो अभी हम जाना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग, आपने भी मेंशन किया, कई और चीजें भी आप लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ अरुणाचल के लोग, अगर कोई हार्ट पेशेंट है या फिर हार्ट से रिलेटेड कुछ है, तो क्या क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो सब भी थोड़ा बता दें, सो तुमने बाहर ना जाना। ये तो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने सेकंड में भी पूछ लिया। देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश में पहले कार्डियोलॉजी था नहीं, पहले कुछ साल पहले की बात है। तो कार्डियोलॉजी अभी रिसेंटली शुरू हुआ है डिपार्टमेंट विद कंस्टेंट एफोर्ट ऑफ आवर डॉक्टर रिंचिन दौरजी मेघा जी एंड डॉक्टर मोजी जी ने सर, एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के कारण, और गवर्नमेंट ने पूरा फुल सपोर्ट किया। जस्ट अभी ये इंस्टीट्यूट शुरू हो पाए, डिपार्टमेंट शुरू हो पाए, और हम तो आई वॉज वर्किंग इन निग्रिम्स। तो निग्रिम्स में हमने 8 साल काम किया है, तो उसके बाद अब वापस आया है। तो यहाँ आने का हम लोग का एक ही मकसद है, वी कुड हैव बीन एनीवेयर, बट अपना स्टेट को हम लोग को सर्व करना है। वी आर हियर टू सर्व ओनली। और लकीली हम लोगों को ऐसा एक सपोर्ट टीम है कि हम लोगों को कैथलेब भी डाल दिया है, लगा दिया है यहाँ पे, कैथलेब इंस्टॉल कर दिया है, और ICCU जल्दी से शुरू हो जाएगा, और ये हमारा ये जो भी है वार्ड वार्ड सब सेपरेट हो जाएगा कार्डियोलॉजी का, एंड वी विल हैव इन फ्यू मंथ्स वी विल हैव फुल्ली फ्लेज्ड कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इसमें फुल फ्लेज्ड कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, सॉरी। तो इससे इसमें जो अभी हम लोग का कैथलेब इंस्टॉल हुआ है, इसमें आप कार्डियोलॉजी का कुछ भी ऑपरेशन बोलिए, एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो जस्ट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वहाँ से लेके एंजियोप्लास्टी से लेके इम्प्लांटेबल डिवाइसेज जो हम लोग इम्प्लांट्स करते हैं, देन डिवाइसेस जो बच्चों का कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस है उसमें भी हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। हम लोग काफ़ी, अगर पहले से अगर फैसिलिटी नहीं था तो हम लोग को बाहर भेजना होता था, तो अब काफ़ी कुछ हम लोगों यही पे कर पाएंगे, और वी विल बी एबल टू सर्व आवर स्टेट। एंड ये फैसिलिटी को हम लोग तो बताते हैं कि अवेलेबल है, लेकिन जो बेनिफिशियरीज है उन पे उन तक ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है कि वी हैव एवरीथिंग नाउ, आप आइए, एक जस्ट बाहर जाने से पहले कम से कम एक बार यहाँ आ जाइए, अपना स्टेट जो फैसिलिटीज दे रहे हैं उसको आके आप लोग बेनिफिट लेने का कोशिश कीजिए, फिर आप लोग देखिएगा कि दिस आवर दिस हॉस्पिटल इज आवर इंस्टीट्यूट इज ग्रोन विद बाई लिप्स एंड बाउंस। तो आप लोग मेरा यही एडवाइस रहेगा, मेरा यही मैसेज रहेगा कि प्लीज़ अभी पहले बाहर सीधा मत चले जाइए, क्योंकि काफ़ी कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाता है, ये बहुत कुछ इश्यूज है। पहले अपना एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट, अपना ये इंस्टीट्यूट आया है सामने, हमारे पास है, हमारा एसेट है, तो प्लीज़ उसका
मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें एंड जस्ट बेनिफिट लीजिएगा। सर लास्टली, क्योंकि अभी कुछ सालों में देखने को आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में कई यंग लोगों को भी हार्ट अटैक वगैरह हार्ट प्रॉब्लम्स लोग आ रहे हैं, तो ऐसे डॉक्टर सर आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगा और क्या कारण से होता है वो भी थोड़ा डिटेल। देखिए ये तो दिस यंग ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी लाइफस्टाइल है एक सम सबसे सिंपल वे में है, बिकॉज लाइफस्टाइल हैज चेंज कम्प्लीटली। काफ़ी बहुत सारा फैक्टर्स है, ओनली एक चीज़ से तो नहीं बोल पाएंगे, इट्स बहुत सारा फैक्टर्स आ जाता है लाइफ में। जैसे स्ट्रेस का एक इश्यू रहता है, अभी वो हमारा डाइट है और हमारा जो भी है अभी का जो जिस तरह का, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, पहले भी होता था ये सब चीज़, लेकिन आगे डायग्नोसिस नहीं होता था। तो अभी जैसे पहले वी विल अभी आपको आई विल टेक बैक टू दिस पुराने ज़माने के बाद, पुराने ज़माने में जब स्ट्रोक होता था तो लोग बताते थे कि जैसे यापोम या जो भी है उसका कारण कुछ हुआ इस तरह, बिकॉज उसमें कहता था कि सी भी स्ट्रोक नहीं कहता था, उसमें कुछ कहता था कि ये भूत के कारण हुआ, बट अभी आज के ज़माने में उसको स्ट्रोक कहते हैं। तो पहले डायग्नोसिस नहीं होता था, इसलिए लगता था कि केस कम है, पहले भी था ये केस लेकिन डायग्नोसिस नहीं था। अब हमारे यहाँ मेनली यंग में हो रहा है, ऑफकोर्स ये हो तो रहा ही है, तो ट्रेंड तो चेंज हुआ है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी आर डायग्नोसिंग द केसेस के एंड द, और दूसरा है लाइफ रिगार्डिंग लाइफस्टाइल है, रिगार्डिंग लाइफस्टाइल चेंजेस बताएगा तो आपको एक किसी भी आदमी के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको एक स्टार्टिंग फ्रॉम डाइट एक अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपको एक लेस स्ट्रेसफुल ट्राई टू स्ट्रेस को दूर रखना चाहिए, यू कैन उस तरह का वे ऑफ लाइफ जीना चाहिए। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप एटलीस्ट 24 आवर्स में 6 आवर्स तो आपको मिनिमम 6 to 8 आवर्स करते हैं, तो इतना तो सोना चाहिए। हम लोग आजकल काफ़ी सोते ही नहीं, लेट नाइट रहते हैं, और हमारा ये इस तरह का ये जो रेगुलरली जो फैमिलियल फैक्टर्स रहता है, तो जिनको पहले से मालूम है कि हमारे फैमिली में हार्ट डिजीज है उनको पहले से अवेयर रहना है कि हमारे फैमिली में बीपी का रोग है, हमारे फैमिली में डायबिटीज़ का रोग है, हमारे फैमिली में हार्ट डिजीज है, तो उनको पहले से थोड़ा अवेयर रहना होता है कि इस तरह का हिस्ट्री है, सो आई कैन इनहेरिट दिस थिंग। सो इस तरह का फैमिली हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, एंड अदर फैक्टर्स आर देयर। तो मिलजुल के बीच में आप डॉक्टर को भी टाइम टाइम में मिलता रहना चाहिए, इंटरवल में इवन इफ यू हैव नो डिजीज रेगुलर चेकअप रहना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। थैंक यू।